एपिसोड 21 के एंड में हमने देखा था कि कोरोनो के सारे दोस्त मर जाते हैं, सिर्फ कोरोनो ही अकेला बचता है। और क्योंकि वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया था, इसलिए वो हर समय निराश रहने लगता है। तभी वो एक दिन जब असली किसीमोटो के घर जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में वही प्लेटफॉर्म वाली बूढ़ी औरत मिलती है। पर कोरोनो उसे इग्नोर करके असली किसीमोटो के घर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर से असली किसीमोटो आती है और असली किसीमोटो को देखकर काटो मन में सोचने लगता है, मैं इसे बात कैसे करूं। तभी वो असली किसीमोटो से बोलता है, वो क्या है ना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। असली किसीमोटो उसे बिना भाव दिए अंदर जाने लगती है और उसे जाता हुआ देखकर कोरोनो बोलता है, हे, मेरी बात का बुरा मत मानो, मुझे बात करना नहीं आता है, इसलिए मेरे मुंह में जो आता है मैं वो बोल देता हूँ। असली किसीमोटो कोरोनो से पूछती है, हे, तुम्हारा नाम क्या है। कोरोनो बोलता है, मेरा नाम केई कोरोनो है, बिल्कुल तुम्हारे नाम के जैसा, केई किसीमोटो। ये सुनकर असली किसीमोटो हैरान हो जाती है और बोलती है, हे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, कहीं तुम स्टॉकर तो नहीं हो। ये बोलकर वो अपने घर भागने लगती है और उसे भागता हुआ देखकर कोरोनो बोलता है, हे, तुम्हारा चेहरा उस लड़की की तरह है जिसके साथ मैं रहता था, वो बहुत ज्यादा प्यारी थी, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था, पर अफसोस वो मर गई। असली किसीमोटो बोलती है, ए, क्या सच में वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखती थी और उसका नाम भी केई किसीमोटो था। कोरोनो बोलता है, हाँ। ये सुनकर असली किसीमोटो बोलती है, ये कैसे पॉसिबल है, ये सब मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। ये बोलकर वो अपने घर में चली जाती है और उसके जाने के बाद कोरोनो मन में सोचता है, अगर मैं किसी को भी ये सब बताऊंगा तो उसे अजीब ही लगेगा, असली किसीमोटो का ऐसा बिहेव करना जायज था। जिसके बाद हमें एक ही समय में कई सारे कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है और उनमें से एक सीन में बुक स्टोर ओनर एक बुक चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। दूसरे सीन में एक लड़की एक आदमी से बचकर भाग रही होती है और ये लड़की वही लड़की थी जिसने बुक स्टोर में सही से बताया था कि उसे एक स्टॉकर बहुत दिन से फॉलो कर रहा है और इस लड़की के हाथ में वही लेबिरिंथ बुक होती है जिसे सही पढ़ना चाहती थी, पर सही ने उस बुक को इस लड़की को दे दिया था। और एक और सीन में कोरोनो की क्लास टीचर को उनके बॉयफ्रेंड की वाइफ चाकू लेकर मारने के लिए दौड़ा रही होती है। एक और सीन में हमें एक ब्लॉन्ड हेयर वाला आदमी दिखाया जाता है जो देखता है कि एक बच्चा नदी के तेज लहरों की वजह से बहता जा रहा है और उसकी माँ मदद के लिए चिल्ला रही होती है, इसलिए वो आदमी अपनी जान दांव पे लगाकर उस बच्चे को बचाने चला जाता है। एक और सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसे बहुत सारे डेप्ट कलेक्टर दौड़ा रहे होते हैं। एक और सीन में हमें वो दोनों साइको दिखाए जाते हैं जो एक घर से भागी हुई लड़की का मर्डर कर देते हैं। तभी वहाँ कुछ ऑफिसर्स आते हैं और उन दोनों को गन लेकर दौड़ाने लगते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से ब्लॉन्ड हेयर वाला आदमी दिखाया जाता है जहाँ वो तेज लहरों से बच्चे को तो बचा लेता है, पर जब वो खुद नदी से बाहर आने के लिए उस बच्चे की माँ से हेल्प मांगता है तो उस बच्चे की माँ उस ब्लॉन्ड हेयर वाले आदमी की मदद ना करके वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लॉन्ड हेयर वाला आदमी नदी के तेज लहरों में बहकर मर जाता है। दूसरे सीन में उस बुक स्टोर वाली लड़की का स्टॉकर उसके पेट में चाकू भोंक कर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी ओर बुक स्टोर ओनर बुक चोर का पीछा कर रहा होता है, पर तभी एक तेज कार आकर उसे उड़ा देती है जिसकी वजह से बुक स्टोर ओनर मर जाता है। और सेम टाइम पर उन दोनों साइको को भी ऑफिसर्स एनकाउंटर करके मार डालते हैं। और वहीं दूसरी ओर कोरोनो की क्लास टीचर को भी उनके बॉयफ्रेंड की वाइफ चाकू मार के मार डालती है। और आखिरी में हमें वो सूट वाला आदमी दिखाया जाता है जो अपने डेप्ट कलेक्टर से बचने के लिए ट्रेन के सामने कूद जाता है, जिसकी वजह से वो सूट वाला आदमी भी मर जाता है। और क्योंकि ये सभी लोग एक साथ एक ही समय में मरे थे, इसलिए वो सब गैंज वाले रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वहीं कोरोनो भी सूट पहनकर बैठा होता है और अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो भी रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है और कोरोनो को देखकर बुक स्टोर ओनर बोलता है, हे, तुम तो वही लड़के हो ना जो आज शाम मेरे स्टोर में आए थे मिरांडा फॉस्टर की लेबिरिंथ बुक लेने, जिस बुक को सही नाम की लड़की ने ऑर्डर किया था और मैंने तुमसे कहा था कि वो बुक कल आएगी। तभी कोरोनो की क्लास टीचर बोलती है, हे, तुम कोरोनो हो ना। हाँ, तुम कोरोनो ही तो हो, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अरे किस तरह की ड्रेस पहनी है तुमने। कोरोनो मन में बोलता है, अब मैं इन सबको कैसे समझाऊं कि यहाँ हो क्या रहा है, अगर मैं इन्हें समझाऊंगा भी तो भी इनमें से कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। और उसका चेहरा देखकर क्लास टीचर बोलती है, हे, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। कोरोनो बोलता है, मिस सुहारा, आपका अफेयर चल रहा था ना। मिस सुहारा बोलती है, कोरोनो तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुमसे क्या पूछा और तुम क्या जवाब दे रहे हो, चुपचाप हमें बताओ यहाँ हो क्या रहा है। कोरोनो बोलता है, ये समझाना बहुत ज्यादा कठिन है। और ये बोलने के बाद कोरोनो देखता है कि वही रूम में वो दोनों साइको भी होते हैं और उन दोनों को देखकर कोरोनो मन में सोचने लगता है, आखिर में इन दोनों की जान कैसे गई होगी। पर उतने में मिस सुहारा बोलती है, कोरोनो अगर तुम्हें कुछ पता है तो हमें बताओ, और मेरा मतलब मेरे अफेयर से नहीं है, इस कमरे से है। कोरोनो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। आप लोगों के पीछे जो ग्रीन बॉल है वो कुछ ही देर में खुलेगा और उसके अंदर बहुत सारे वेपन्स और आप सबके नाप के सूट होंगे, और हाँ, वो सभी गन्स असली हैं। मिस सुहारा बोलती है, कोरोनो तुम ये क्या बनावटी स्टोरी सुना रहे हो, अभी तुम बोलोगे कि हमें कुछ एलियंस को मारना होगा। कोरोनो बोलता है, हाँ, हमें यही तो करना है। और कोरोनो की बात सुनकर बाकी सब लोग बोलते हैं, लगता है ये लड़का इमेजिनेशन में जी रहा है। और उन सब की बात सुनकर कोरोनो बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर हमने उन एलियंस को नहीं मारा तो हम सब मर जाएंगे। ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का बोलता है, पर शायद हम सब पहले से मर चुके हैं ना। बुक स्टोर ओनर बोलता है, हे, मुझे नहीं लगता हम सब मर चुके हैं, क्योंकि हम सब की सांस चल रही है और देखो वहाँ टोक्यो टावर भी है। हे, कैसा रहेगा कि हम सब पहले एक दूसरे को अपना नाम और ये बताएं कि हम सब की जान कैसे गई है, शायद हम सबको कोई क्लू मिल
मिल जाए कि हम सब जिंदा हैं या मर गए और यहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम फुरुटा है और मेरी जान कार एक्सीडेंट की वजह से गई है। मिस सुहारा बोलती है, मेरा नाम उहारा है, मैं इस लड़के की क्लास टीचर हूँ और मुझे किसी ने चाकू भोंक कर मार डाला है, इससे ज्यादा मैं आप सबको नहीं बता सकती हूँ। और मिस सुहारा की बात सुनकर कोरोनो मन में सोचने लगता है, कहीं इन्हें इनके बॉयफ्रेंड की वाइफ ने तो नहीं मार डाला। तभी ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का बोलता है, मेरा नाम नुजाकी है और मेरी जान नदी में डूबने की वजह से गई। और ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के के बोलने के बाद उन दोनों साइको में से एक साइको बोलता है, मेरा नाम रियोजी है और मेरे बगल में जो खड़ा है उसका नाम हजीमे है, इसकी उम्र 16 साल है और मैं इसका गार्डियन हूँ और हम दोनों की जान कार एक्सीडेंट की वजह से गई है। तभी बुक स्टोर वाली लड़की बोलती है, हे मुझे लगता है कि हम सब मर चुके हैं क्योंकि यहाँ आने से पहले एक स्टॉकर ने मेरे पेट में चाकू भोंक कर मुझे मार डाला था, पर अब मेरे पेट में कोई चोट नहीं है। वैसे मैंने खुद को इस बुक से बचाने की कोशिश की थी पर वो चाकू इस बुक के आर पार चला गया और मैं मर गई। पर अगर मैं मर भी गई हूँ तो भी मेरे पास ये बुक कैसे है। ओ बातों बातों में मैं आप सबको अपना नाम ही बताना भूल गई, मेरा नाम निका है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मिस सुहारा बोलती है, हे क्रोनो तुम्हारी जान कैसे गई। क्रोनो बोलता है, बहुत दिन पहले मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर गई। मिस सुहारा बोलती है, क्रोनो मजाक करना बंद करो, तुम हर रोज स्कूल आते थे। क्रोनो बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। तभी सूट वाला आदमी बोलता है, मैं भी ट्रेन के आगे कूद गया था, मेरा नाम साइतो है, मैं अपने बिजनेस की वजह से कर्जे में डूबता चला गया और डेप्ट कलेक्टर मेरे जान के दुश्मन बन गए, इसलिए मैंने मजबूरी में वो कदम उठा लिया, पर यहाँ आकर मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, अब मेरे पीछे कोई भी डेप्ट कलेक्टर नहीं है। ये सुनकर क्रोनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को उठाकर बोलता है, ए लाइफ का मजाक बनाना बंद करो, तुम्हें नहीं पता है लाइफ कितनी कीमती होती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो सकता है कि यहाँ कितने लोग मरे हैं। वो सभी लोग अपने लाइफ को वापस पाना चाहते थे पर वो सभी इस कोशिश में मर गए। दोबारा अपने मुंह से ये बकवास कभी मत निकालना कि तुम्हें मरकर बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। ये सब बोलकर क्रोनो उस आदमी को छोड़ देता है और बोलता है, तुम लोग मानो या ना मानो मौत का खेल शुरू होने वाला है और एक बार वो शुरू हो गया तो तुम सब अपनी जान की भीख मांगोगे, इसलिए पहले से खुद को प्रिपेयर कर लो। और क्रोनो के बोलते ही गैंज दोनों तरफ से खुल जाता है और उसके खुलते ही क्रोनो चिल्लाकर बोलता है, गैंज जल्दी बताओ हमें इस बार किस तरह के एलियन से लड़ना होगा। और क्रोनो के बोलते ही गैंज में क्रोनो की फोटो अपीयर होती है और उसके फोटो के नीचे लिखा होता है, ये है क्रोनो एलियन, इस बार आप सभी को इस क्रोनो एलियन को मारना है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये देखकर क्रोनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और हाँ ये एनिमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है तो नेटफ्लिक्स पे जाके एक बार जरूर देख लेना।